आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मजेदार मसूर दाल और पालक का सालन। मसूर दाल और पालक का सालन बहुत ही मजे का बनता है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। पालक और मसूर दाल का सालन कैसे बनाते हैं? आधा कप ऑयल, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। आप थोड़ा ऑयल ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज डाल लेंगे, प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज को फुल ब्राउन नहीं करना, हाफ ब्राउन करना है। प्याज हमारे हाफ ब्राउन हो चुके हैं, बारीक कुटा हुआ लहसुन डाल लेंगे, एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे, तीन सब्ज मिर्च डाल लेंगे, दो तीन मिनट के लिए भून लेंगे। टमाटर को थोड़ा सा भूनने से टमाटर हमारे गल जाते हैं, टमाटर को लाजमी 3 मिनट तक भूनना। टमाटर को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। टमाटर और लहसुन डाल के मैंने 3 मिनट तक भून लिया है, आप दे सकते हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। एक चमची नमक डाल लेंगे, नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। एक चमची सुर्ख लाल मिर्च, एक चमची हल्दी पाउडर, आधी चमची साबुत ज़ीरा, आधी चमची साबुत धनिया। 1 मिनट भून लेंगे मसालों को, मसालों को बिल्कुल भी जलने नहीं देना, चूल्हे की आंच को थोड़ा सा कम कर लेना। मसालों को मिक्स करते हुए पकाना। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आधा कप मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल ली है मैंने, इसे मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख लिया था। मसूर की दाल डाल लेंगे, साथ में बारीक कटी हुई पालक डाल लेंगे। पालक को मैंने ज़्यादा बारीक काटा है। पालक को बारीक बारीक काट के इसे अच्छी तरह वॉश कर लेना, 2-3 बार पानी में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब इसे 5 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे चम्मच चलाते हुए। इसे मीडियम आंच पर भूनना। पालक और मसूर दाल एक बार ज़रूर बना के देखें, ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसका टेस्ट लें, इसका कैसा है टेस्ट। ये बनाने में भी बहुत आसान है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। दाल और पालक को मैंने 5 मिनट तक भून लिया, मीडियम आंच पर भुना, फुल आंच पे नहीं भुना। दो कप पानी डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हल्की सी आंच पर 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, चूल्हे की आंच को बिल्कुल कम कर देना। 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उतार लेंगे। आप देख सकते हैं दाल भी हमारी पक चुकी है।
और पालक भी पक चुकी है। अब इसे मीडियम आंच पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। पालक और मसूर दाल का सालन बहुत ही मज़े का बनता है, आप ज़रूर एक बार लाजमी बना के देखें। ये बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। चूल्हे को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं सालन हमारा कितना ही अच्छा बना है। अब इसे प्लेट में डाल लेंगे। आप देख सकते हैं पालक और मसूर दाल का सालन कितना ही अच्छा बना है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के देखें। ये सालन बहुत ही मज़े का है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का है।